नमस्कार, मैं हूं मनोज व्यास और आप देख रहे हैं अटल आवाज। इस वक्त हम खड़े हैं महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंट पर। आज यहां बड़े ही गौरव का दिन है, क्योंकि भारत के वीर सपूत माँ भारती के लाल आज महाराणा प्रताप की इस पुण्य धरा पर उनके प्रताप को नमन करने यहां पहुंचे हैं। बड़ा ही गौरव का विषय है कि भारतीय सेना की ये टुकड़ी महाराणा प्रताप से जुड़े उन तमाम स्थलों पर नमन करते हुए आज महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली पहुंची है। ये गौरव का क्षण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता का अमर पुजारी महाराणा प्रताप, जिन्होंने आज से ठीक 550 साल पहले स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जो अलग जगाई है, उसी अलग, उसी त्याग
और उसी तपस्या को नमन करने के लिए जब भारत के माँ भारती के वीर सपूत इस धरा पर पहुँचते हैं और महाराणा प्रताप को नमन करते हैं, ये क्षण इस पुण्य धरा के लिए इसलिए भी गौरव का विषय बन जाता है कि देश का गौरव जिन्हें हम सैनिक के रूप में पूजते और मानते हैं, वो सैनिक इस धरती पर महाराणा प्रताप के इस गौरव को नमन करने के लिए जब पहुंचते हैं तो अपने आप में स्वाभिमान की लहरें मन में उठने लगती हैं। आज आप अटल आवाज के साथ बने रहिएगा, हम तमाम उन पहलुओं को करेंगे, हम बताएंगे कि आखिर सेना की ये बटालियन यहाँ किस उद्देश्य के साथ पहुंची और महाराणा प्रताप के उन तमाम स्थलों को नमन करते हुए जब महाराणा प्रताप के इस समाधि स्थल पर पहुंचती हैं तो आखिर मन में ऐसे क्या विचार लेकर पहुंचती हैं? महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज चावन खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। गांव का हर मन प्रफुल्लित था, हर एक के मन में ऊर्जा और देशभक्ति का रक्त संचारित हो रहा था। भारत माता और महाराणा प्रताप के जयकारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था। हर गली फूलों की खुशबू से महक रही थी। हो भी क्यों नहीं, देश का गौरव भारतीय सेना के जवानों के कदम इस माटी पर जो पड़े थे। भारतीय सेना की मेवाड़ ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 9वीं बटालियन डेजर्ट कोर के मेवाड़ ट्रेल फुट अभियान के तहत महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली पर पहुंच महाराणा के प्रताप को नमन किया। भारत के जांबाज सैनिकों ने देश के वीर पुत्र व प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप के समाधि स्थल पर नमन कर उनके प्रताप को नमन किया। ये वक्त देशभक्ति के जुनून का था, ये वक्त महाराणा के त्याग तपस्या और स्वाभिमान को नमन का था। ये विश्व में गुणगान होने वाले महाराणा प्रताप के अमर बलिदान को नमन करने का था। ये वक्त सैनिकों के जज्बे और शरीर में दौड़ते रक्त का, देश के लिए हमेशा तत्पर रहते राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के संकल्प का था। आज महाराणा की धरती पर गर्व और अभिमान का दिन था कि उनकी कर्म भूमि पर देश के लिए तत्पर और सब कुछ समर्पण करने वाले देश का गौरव मेवाड़ व राष्ट्र के नायक की माटी को तिलक लगाने वाले सैनिक के गर्व महसूस करने का था। राष्ट्र गौरव सैनिकों के पांव जैसे जैसे इस धरा पर पड़ रहे थे, तब तब चावंड की माटी भी इन सैनिकों के चरण से गौरवान्वित महसूस कर रही थी। सैनिकों के मेवाड़ भ्रमण का ये समय अपने अपने आप में गौरव का क्षण था। चावंडवासी सेना को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे तो सेना के जवान महाराणा प्रताप के समाधि स्मारक और महलों को नमन करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सेना के जवानों की कदम ताल जैसे जैसे चावंड की भूमि पर बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस धरती के प्रताप को और ऊर्जावान कर रहे थे। कोई सेना के जवानों को सैल्यूट तो कोई दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में खड़ा था। 19 दिनों की यात्रा के बाद जब ये जवान यात्रा के अंतिम पड़ाव पर लोगों के सम्मान को पाकर मानो देशभक्ति का ज्वार उठ रहा था, भारत के वीर जवानों का यूं महाराणा प्रताप की निर्वाण भूमि पर दर्शन के लिए पहुंचना जहां सैनिकों के जज्बे को बढ़ाने वाला था, वही इस धरती की स्वाभिमान को भी बढ़ाने वाला था। लोग न केवल वीर जवानों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे बल्कि उनके सम्मान में मानो इस तरह डूबे कि देशभक्ति के ज्वार में खुद को झोंकने को आतुर हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध लड़ी हुई है,
तो उन दुर्गाओं का भी इस महाराणा प्रताप की पुण्यस्थली पर स्वागत अभिनंदन। कभी हम पेपर में पढ़ा करते थे, न्यूज में सुना करते थे कर्नल मेजर जनरल क्या होते हैं, लेकिन आज इन सबको महाराणा प्रताप की स्वाभिमानी जीवनी खींच करके यहाँ पर लाई है। और आपका जो स्वाभिमान आज सेना में हम देखते हैं, वही स्वाभिमान एक बार महाराणा प्रताप के अंदर था। और इसीलिए पूरे संसार के अंदर ऐसा कहा गया है कि महाराणा प्रताप का इतिहास और पूरे संसार का इतिहास एक तरफ तोला जाए तो महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी उतरता है। यह है महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और जीने का इतिहास। मैं आप सबसे एक अपील करता हूं कि सेना का जीवन क्या होता है, हम सुनते और देखते टीवी पर, वो नहीं है। सेना का जवान एक पांव पानी के अंदर और एक पांव जमीन के अंदर और देश के दुश्मनों से लोहा लेता हुआ खड़ा रहता है। कब खाता है कब पीता है ये उनको पता नहीं रहता है। और हम सब जानते हैं कि जब कारगिल का युद्ध हुआ उसमें एक बात आई थी, कोई बहन कोई माँ कोई पत्नी अपने इन सब जवानों का इंतजार कर रही थी, वो कब आएंगे। इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए लेकिन भारत माँ का एक टुकड़ा नहीं जाने दिया। मैं इन सेना के जवानों के पांव के अंदर सिर झुका करके धोख लगाता हूँ कि ये है हमारे भारत माँ के असली लाडले। और इन सब का हमको जैसा महाराणा प्रताप को याद करते हैं वैसा ही हम याद करते रहे। और इसलिए मैंने कहा कि कहीं वियतनाम का एक व्यक्ति ये बोलता है कि आपने अमेरिका से युद्ध कैसे जीता, तो उन्होंने कहा था हमने महाराणा प्रताप के जीवन से पढ़ करके और वियतनाम का युद्ध जीता है। तो वही ये सैनिक भी महाराणा प्रताप के यहाँ से प्रेरणा ली है और एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को करीब से जानने हेतु उनके जुड़े स्थलों को लेकर भारतीय सैनिकों द्वारा किए जा रहे भ्रमण के दौरान सोमवार को जब मेवाड़ ग्रेनेडियर रेजिमेंट की नवी बटालियन चावल पहुंची, समाधि स्थल पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। बटालियन ने कैप्टन के नेतृत्व में चावंड के समीप बंडोली स्थित महाराणा प्रताप की समाधि स्थल पर पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, भारत माता व महाराणा प्रताप का जमकर जयघोष किया। इसके पश्चात समाधि स्थल पर आयोजित सम्मान समारोह में चावंड ग्रामवासियों ने सभी जवानों को सम्मानित किया। जवानों की टुकड़ी ने चावन कस्बे में रूट मार्च किया। इस दौरान कस्बे वासियों ने जोरदार पुष्प वर्षा करते हुए भावभीना स्वागत किया। नगर वासियों ने जवानों के हर कदम पर फूल बिछा दिए, जिसे देख जवान भी बहुत प्रसन्न हुए। बड़े बुजुर्ग महिलाओं व हर समाज हर वर्ग के लोगों ने छतों खिड़कियों व मार्ग में खड़े होकर जवानों पर पुष्प वर्षाए। चावंड की धरती पर पहली बार इस तरह से सैनिकों के आगमन को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा देखी गई। नगर वासियों ने सैनिकों के गणवेश और अनुशासन को देखकर हर व्यक्ति जोश से भरा दिखाई पड़ रहा था। आज न कोई जाति न कोई वर्ग न कोई भेद, हर व्यक्ति केवल भारतीय था। चावंड बस स्टैंड से मैन चौराया महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवड़ा गली हेडगेवार चौक और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए पुनः चामुंडा माता मंदिर पहुंचे। इसके पश्चात स्मारक पर व प्रताप के महलों पर दर्शन हेतु पहुंचे। स्मारक पर चारों रण साथियों भामाशाह जालामन्ना राणा पूजा हकीम का सूर को माल्यार्पण किया। इससे पूर्व महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
इस दौरान महाराणा प्रताप व भारत माता के जयकारे लगते रहे।